तू इस हकीकत को पुलिस के सामने बोलेगा? नहीं, मैं नहीं आऊंगा। मैं भी नहीं आएगी। तो ठीक है, पुलिस यहाँ आएगी और तुम दोनों को घसीट के लेके जाएगी। बोल सलीम, क्या जानता है तू? मैं जो भी बोला साहब, मेरे को नहीं पता साहब, सही है कि गलत है। डंडा दूं तेरे को? तुझे नहीं पता ये बात सच है गलत है? इन माओं को कैसे बोला इनके बेटे मर चुके हैं? जोक मार रहा था? नहीं साहब, नहीं, वो लोग मेरे को बोला ना साहब, तो मेरे को ऐसा अंदर से खराब लग रहा था, तो मैंने बोल दिया इन लोगों को। कौन है अंकित और साजिद? क्यों मारा मोहसिन और इरफान को? साहब कसम से साहब, मेरे को नहीं पता साहब ये सब। साहब क्या हुआ ना कि साजिद आए, ठीक है? क्या साजिद, क्या गुड्डों का जैसा पान वान सवार है, चिल्ला मिलम फूकता है कि नहीं? अरे सॉलिड घर की चल रही है यार, चिल्ला मिलम फूके तो अरसा हो गया। मेरे पास सॉलिड माल है, बैठेगा। आ जा अंकित। अंकित साहब, फूकते फूकते हम सबको बहुत चढ़ गया था, अंकित को थोड़ा ज्यादा चढ़ गया था सर, तो उसने बक दिया। मेरे को भी तुम लोगों के साथ ना काम करने का है। क्या काम कर सकता है? कुछ भी भाई, अपन लोग तो मिलके कुछ भी कर सकते हैं ना। ये फोकड़ की चिलम मारना एक और चीज है, आदमी मारना एक और चीज। आदमी मारना मतलब? तो अपनी लाइन में बंदे लोग को टपकाना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है, अपन पैसे के लिए तो कुछ भी कर सकते, लेकिन भाई फुल मर्डर हो तो डेंजर है ना। अपने लाइन में सबसे बड़ा डेंजर है आदमी, आदमी कभी भी पलट सकता, तो डेंजर को दूर रखने के लिए क्या करना पड़ता है? आदमी को दूर रखना पड़ेगा। मतलब ऐसे ही बोल रहा है अंकित, किसी को मारना वरना नहीं पड़ता है, बस चुपचाप काम करने का कोई चांस नहीं मिलता मारने का। लेकिन अगर कोई मुंह फाड़ा तो अपन क्या करेगा? उसको फाड़ देंगे। क्या करेगा? खत्म। जैसे कि वो दो शाने, कौन? मोहसिन, वो एक इरफान। क्या तू लेडीज की माफी हाथ दबा रहा है मेरा? जब से मैं झूठ बोल रहा है क्या? अपन क्या बोले सलीम को? क्या? मुंह बंद रखने का, ताला, ताला। यही तो समझा रहा ना मैं कब से सलीम को, मुंह पे ताला लगाने का, ताला। उस दिन तो उसने बक दिया साहब, लेकिन अगले दिन सुबह उसको पता चला होगा साहब कि उसने कुछ गलत बोला है, तो फिर वो भेजा साजिद को अगले दिन। सलीम क्या हो रहा है? साजिद अंकित, कल मैं नशे में क्या क्या बोला तेरे को? क्या बोला अंकित? बड़े बड़े गलती कर जाते हैं, मैंने भी की, नशे में बोल गया कुछ कुछ, पर तो सब कुछ भुला देगा सिवाय एक बात के। बोल। मुंह पे ताला। मुंह पे ताला खोला तो सांस बंद। दो दिन तक मैं घर से बाहर नहीं निकला साहब, मेरे को ऐसा लगता था साहब अगर मैं घर से बाहर निकलेगा तो वो लोग मेरा गेम बजा देते, और सर वो लोग मेरा गेम बजा देता। फिर भी साहब मैं घर से बाहर निकला तो देखा कि मुमताज आंटी मोहसिन को ढूंढ रही है। फिर थोड़े दिन बाद मैंने सुल्ताना आंटी को देखा इरफान को ढूंढते हुए। फिर साहब मेरे को कन्फर्म हो गया ये बात, तो साहब फिर मैंने इनको बोल दिया। कहाँ मारा मोहसिन और इरफान को और क्यों? साहब मेरे को नहीं मालूम है साहब। सर ये झूठ बोल रहा है, छुपा रहा है, इसमें जरूर इसकी कोई चाल है। आप करो तो सोशल सर्विस और हम करें तो चाल। ए सलीम, आवाज़ नीचे कर और सीधे सीधे बता साजिद और अंकित कहाँ है और क्यों मारा मोहसिन इरफान को? मेरे को नहीं पता साजिद और अंकित किधर है साहब, आप उनको पकड़ो ना, आप उनको पकड़ोगे तो लोग आपको बताएंगे ना साहब, मेरे को जाने दो ना साहब। साहब मुझे भी जाना है, मैं चलती हूं। इरफान आपका सगा बेटा है ना? जी, घर पे एक सगी बेटी भी है नाबालिग और अकेले, मुझे वैसे भी इसकी बात पे भरोसा नहीं है साहब। भरोसा नहीं था तो मुमताज को जाकर क्यों बोला उसका बेटा मर चुका है? भरोसा कोई पत्थर की लकीर तो है नहीं साहब, उस दिन ये रात को आके बोला तो
हुआ, अभी नहीं हो रहा है। सुल्ताना जी साहब मेरे को भी जाना तो साहब, मेरे को ये बवाल में नहीं पढ़ने का। बवाल तो तूने मचा दिया बेटा, पर अब तो गया। गणेश। हाँ साहब। इसके दो दोस्त साजिद और अंकित ने इससे बोला है कि उन्होंने दो मर्डर किए, एक इरफान लतीफ और दूसरा मोहसिन मलिक। मोहसिन मलिक। अच्छा साहब, ये मैडम का बेटा होए सर। मोहसिन की मिसिंग कंप्लेंट है हमारे पास, मैंने उसकी कुंडली निकाली, छोटी मोटी चोरी और पॉकेटमारी करता रहा है। जरा इस सलीम को टॉनिक पिलाओ और पता करो कहाँ है ये साजिद और अंकित। साहब मैंने सब कुछ तो बता दिया आपको, सब याद आएगा। सर मुमताज जी ने काफी चक्कर काटे थाने के, बदनसीबी से आपके इस गणेश कांस्टेबल ने ज्यादा कोऑपरेट नहीं किया, प्लीज थोड़ा हेल्प कीजिए। इस केस में जितने भी नाम आ रहे वो सारे के सारे पहले से ही हमारे क्रिमिनल लिस्ट में हैं, और मुझे लगता है कि इसमें बहुत बड़ा कांड हुआ है, इसलिए चीजें बाहर आ रही हैं। अगर जो सलीम बोल रहा है वो झूठ है तो क्या मेरे मोहसिन को ढूंढने में मेरी मदद करेंगे? मुमताज जी पहले ये तो पता लगे कि सलीम झूठ बोल रहा है सच। क्या आपको लगता है कि ये सलीम सच बोल रहा है? पता नहीं, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि सलीम झूठ क्यों बोलेगा। तो अगर वो सच बोल रहा है तो सुल्ताना पर इस बात का ऐसा असर क्यों है? उसका बेटा भी तो घर। मुमताज जी अगर आप बात सुल्ताना की करेंगी ना तो मैं बस इतना ही बोलूंगा कि मुझे दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। तू मुझ पे शक कर रही, यही बाकी था। और तेरा मोहसिन कोई दूध का धुला नहीं था, चोरी था ना? सुल्ताना तेरा इरफान भी गायब है और वो सलीम कह रहा है कि मोहसिन के साथ साथ उसको भी मार दिया गया है, और तुझ पर रत्ती भर कभी असर। मेरे बेटे की मौत का मुझ पे क्या असर हो रहा है क्या नहीं, कि तू क्यों जानना चाहती मुमताज? क्योंकि तू झूठ बोल रही है, तू कुछ छुपा रही है सुल्ताना। मैं कुछ नहीं छुपा रही हूं। देख सुल्ताना, मैं चालाक नहीं हूं, मुझे दुनियादारी की समझ नहीं है, मैं बस इतना जानती हूं कि मेरा बेटा घर से गायब है और मेरे सीने में खंजर घुसा हुआ। तुझे पता है तो बता दे, क्या वो वाकई में मारे गए? मुझे उतना ही पता है जितना सलीम ने बोला। लेकिन तूने तो बोला था थाने में तू उस पर भरोसा नहीं करती। अब करती हूं, इससे ज्यादा मुझे कोई बात नहीं करनी, खुदा के ले जाए यहां से। चले गए, क्या वो कभी नहीं लौटेंगे? मम्मी अब वो मैं क्यों छोड़ के चले गए? क्योंकि उन्हें किसी और से प्यार हो गया था बेटा। हमसे भी तो प्यार करते थे ना वो, क्या भूल गए हमें वो? अम्मी अब हम क्या करेंगे, हम कैसे जिएंगे? अम्मी हम जी लेंगे, हम चार हैं, हम खूब मेहनत करेंगे, जमकर एक दूसरे का साथ निभाएंगे और एक दूसरे से बेहद प्यार करेंगे, है ना? जी अम्मी। और एक जरूरी बात बेटा, हमें ये याद रखना है कि जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। देखना बड़ा होकर मैं अच्छी नौकरी भी लगूंगा। फारूक भी लगेगा और मोहसिन भी लगेगा, है ना? मुमताज आंटी, सरफराज बोल रहा हूँ, फारूक का एक्सीडेंट हो गया, यहाँ पे टेम्पो के नीचे पैर आ गया उसका, यहाँ म्युनिसिपैलिटी में भर्ती किया है, आप तुरंत आ जाओ। रहीम भाई अभी क्या करने का? कुछ नहीं करने का है, बस मुंह बंद रखने का है। मुंह बंद रखने का काय को भाई? बोले तो किससे? मुंह बंद तो मतलब बंद, ना कुछ बोलने का ना कुछ पूछने का। चल अब निकले यहाँ से।
कुछ मालूम है? इरफान तुझे कुछ बोल के गया? कहीं कुछ रखा है उसने? नहीं मालूम मम्मी। ये सब की वजह से तेरी पढ़ाई पर असर पड़ा रहा है जमान। नहीं अम्मी, अब मैं यही रहूंगा और यहीं से तेरी मदद करूंगा। फारूक का भी डिस्चार्ज हो रहा है ना कल परसों? दिन में एक नहीं दो दो दुआएं कर रही हूँ। एक तो ये कि सलीम की कहीं बात झूठी निकले पूरी तरह से, और दूसरी पुलिस की बात भी झूठी निकले कि हमारा मोहसिन चोरी करता है। ये सलीम अभी तो कुछ बोला नहीं है, उस पे भरोसा करना मत। लेकिन साहब झूठ बोल के उसका क्या फायदा होएगा? अब उसने क्या कहा कि इरफान और मोहसिन को मारा गया, लेकिन अभी ये सलीम सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, किसे पता है? हो सकता है ना कि इरफान और मोहसिन ने सलीम के जरिए ये झूठी खबर फैलाई हो। लेकिन साहब मोहसिन ऐसा क्यों करेगा? लोग खुद को तब मरवाते हैं जब वो कोई बहुत बड़ा कांड करके नई जिंदगी शुरू करते हैं, क्योंकि अगर वापस आ गए तो या तो पुलिस धर लेगी या तो फिर दुश्मन। लेकिन साहब अम्मी कह रही थी कि सलीम ने दो लोगों के नाम लिए थे, अंकित और साजिद, अब उन्हें अरेस्ट क्यों नहीं करते? वो सलीम पता उदय तो मंडल मी गणेश मैंने खून किया, परवा तो मंडल तू जमाल तूने खून किया, अब मैं खुद को तुझे जेल में तो नहीं डाल सकता ना। मेरा भाई मोहसिन 2 महीने से गायब। अरे तो ये भी तो हो सकता है ना कि वो अपनी मर्जी से घर से चला गया हो। साहब अब जरा साहब बड़े साहब से मिलवा देंगे। बड़े साहब मीटिंग में, और ये केस मेरे पास है। जमाल तू एक काम कर, तू अस्पताल जा और फारूक का नाम कटवा के उसको घर ले गया। मैं काम से आते वक्त आरिफ जी से मिलते हुए हूँ। पुलिस वाले इस मामले को सीरियस नहीं ले रहे, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। हर बार कहते हैं तुम्हारा मौसम चोर है, कितनी बार ये लफ्ज सुनती हूँ ना, छुरी अचलती है अल्लाह कसम। कभी आपको इस बात का एहसास नहीं हुआ कि मोहसिन ये सब? एहसास होता तो उसको कभी के तभी आड़े हाथों नहीं ले लेती। पर मोहसिन को ऐसा क्या मतलब? यही जानने के लिए तो तिलमिला रही हूँ। सोशल वर्कर का लाइसेंस पुलिस से बदतमीजी करने का लाइसेंस कब से बन गया आरिफ जी? मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था, इनके साथ बदतमीजी और बदसलूकी दोनों हो रही है। शायद इनका बेटा चोर होगा नहीं होगा खुदा जाने, पर इंसान तो है ना। वो सलीम को आप लोगों ने 2 दिन पहले अरेस्ट किया था, अब तक तो कोई ना कोई लीड मिलनी चाहिए थी आपको, कुछ तो मूवमेंट होना चाहिए था ना सर। हो साहब। सलीम कुछ बोला? हो साहब बोला। सलीम बोला कि उसने झूठ बोला। साहब मेरा यकीन करो, वो आरिफ है ना, वो मेरे को बोला झूठ बोलने को। वो मेरे को बोला कि पुलिस स्टेशन में जाके अंकित और साजिद का नाम ले लेने का। साहब पता है वो मेरे को इधर धमकी दे के लेके आया। साहब उसने आपके सामने जो बोला था उससे मुकर गया, रोटा इन पर ही इल्जाम लगा रहा था। क्या बोला सलीम ने? सर उसको मेरे सामने एक बार हाजिर करो आप, फिर बोलने दो उसे कि मैंने उसे जबरदस्ती ये सब बुलवाया है। सलीम लग यूं ना, उसके घर जाकर उसे लाना पड़ेगा। क्या घर जाकर लाना पड़ेगा? मतलब आपने उसे जाने दिया? उसे अंदर रखने के लिए कोई कारण ही नहीं था, कोई केस ही नहीं था। सब उसने मुझसे कहा कि वो घर जाएगा सुबह लौट आएगा, मैंने कहा जा। एक काम करो उसे घर से उठाकर लेकर आओ। वैसे क्या चल रहा सर? ये एक ही गवाह था 2 हत्यारों की बातों का, और उसको भी आप लोगों ने जाने दिया। सलीम अब हमारे लिए भी गवाह है आपके किसी चाल का, जो किसी अंकित और साजिद को फंसाने की कोशिश हो सकती है। सर आपको पता है वो झूठ बोल रहा था, और अपने आप को बचाने के लिए वो कुछ भी बोल सकता है। उसके कुछ भी बोलने और सिर्फ बोलने के बिना पर उसे अरेस्ट नहीं कर सकते। सुबह ही निकल गया, बैग वैग लेके निकला गया। किधर जा रहा है सलीम? दिमाग मत खराब कर, मैं किधर भी तो जा रहा हूँ, मेरे को भी नहीं पता किधर जा रहा हूँ। चला गया? ये आपने उसे जाने दिया? ऐसे लोग किसी को बिना बताए चले जाते, अपने घर वालों को भी कुछ नहीं बताते। सर सलीम इकलौता बंदा है जिसे पता है इरफान और मोहसिन के साथ क्या हुआ है, उसके बावजूद भी आप लोगों ने उसे जाने दिया। गणेश सलीम का फोन बंद आ रहा है सर, ऐसे लोग फोन थोड़ी चालू रखते।
साहब मुझे लगता है सलीम कुछ छुपा रहा है, जैसे इरफान की अम्मी सुल्ताना। साहब मैं सुल्ताना की खोली पर भी गया था, उनसे 50 बार पूछा कि आपको किसी पर शक है, उन्होंने कहा नहीं। मैंने उनसे पूछा कि आपको किसी के खिलाफ कुछ बोलना है, उन्होंने कहा नहीं। ये जो दो नाम लिए जा रहे ना, अंकित और साजिद, इस नाम के कोई भी बंदे उस पूरी चौल में नहीं रहे। साहब मुझे लगता है कि ये लोग रायता फैला रहे हैं। क्या रायता? नहीं बताइए क्या रायता? आपको कैसा लगता हा? अगर आपका बच्चा घर से गायब हो जाता तो आंखें बंद कीजिए और सोचिए, सोचिए साहब, खुद को मेरी जगह रखकर देखिए। मुमताज जी जरा आप शांत हो जाइए। अरे कैसी बात करें सर आप, बड़ी मुश्किल से मैंने सलीम को मनाया था आपके सामने बयान देने के लिए, और वो बयान देने से मुकर गया। उसने ये भी कहा कि आपने उसे जबरदस्ती की स्टेटमेंट देने के लिए। साजिद और अंकित नाम के बंदे कोई है ही नहीं, और यही फाइंडिंग हमारे गणेश की भी है। उसने हमें भटकाने के लिए आपका नाम लिया होगा। मुझे तो लगता है हमें झूठी खबर देने के लिए उसे यहाँ भेजा गया होगा। अच्छा ठीक है, ओके। मुमताज जी ये लोग कुछ खास नहीं करेंगे, पर क्या अधिकारियों तक पहुँच निकालो। मैं बस इतना पता लगाना चाहती हूँ कि मेरा मोहसिन किस हाल में है, और क्या वाकई में उसने कोई बड़ा जुर्म किया है। हेलो, हाँ जी आरिफ कादरी। हाँ जी आप बड़े साहब को मेरा नाम बोलिएगा प्लीज़, और मेरी तरफ से थोड़ा सिफारिश कर दीजिएगा। सुनता जी देखना कुछ ना कुछ मूवमेंट ज़रूर होगी, आप बेफिक्र रहो, मैं आपको कल फ़ोन करूँगा। क्या मुमताज कभी अपने गुमशुदा बेटे मोहसिन की हकीकत जान पाएगी? जितना गम मुमताज को मोहसिन के गायब होने का था, उतना ही दर्द उसे इस बात से हुआ था कि मोहसिन क्रिमिनल गतिविधियों में शामिल था, और उसे इस बात की भनक तक नहीं थी। और दूसरी तरफ थी सलीम की दी गई मनहूस खबर। सलीम अब किसी के हाथ नहीं लगने वाला था। पीछे बस उसकी दी हुई रहस्यमय खबर रह गई थी कि मोहसिन और इरफान मारे जा चुके हैं, और इस खबर की हकीकत बहुत जल्द सामने आने वाली थी। हमने आपकी बातें सुनी आरिफ, और आपकी भी मुमताज, और अब हम कोई ना कोई एक्शन जरूर लेंगे। आज यू सर, या दामले? सर दामले ये फहीम नगर से आरिफ, और ये वहीं के रेजिडेंट मुमताज मलिक। इनका 23 साल का लड़का मोहसिन मलिक पिछले 2 महीने से गायब है। लोकल पुलिस से ज्यादा मदद नहीं मिली, केस थोड़ा पेचीदा है, जल्द से जल्द सॉल्व करो। हो जाएगा सर। देखिए आपके बेटे की इस केस की सारी डिटेल्स हमारे पास है, अब इस केस को हम लोग हमारी तरीके से इन्वेस्टिगेट करेंगे। मुमताज जी अब आपको रोज पुलिस स्टेशन आने की जरूरत नहीं है, आपके बेटे मोहसिन की सच्चाई हम आप तक पहुंचाएंगे। क्राइम ब्रांच। वो बहुत डरा हुआ था जब थाने से आया था, कुछ बोला नहीं ठीक से, कहीं चला गया सब। जोरा जी उसको बोलो डरने की जरूरत नहीं है, हम उससे सिर्फ पूछताछ करके छोड़ देंगे, और वैसे भी उसने तो कुछ नहीं किया ना। उसने तो फोन भी बंद करके रखा है। तभी तो ऑन करेगा, और जब ऑन करेगा तब आपको फोन करेगा, और तब आप हमें बताएंगे। वो सलीम मुझे जो बोला मैं वही बोली मुमताज को। ठीक है उसने जो कुछ भी कहा, लेकिन आपका बेटा गायब हुआ था, फिक्र नहीं हुई आपको? फिक्र कैसे नहीं होगी साहब, माँ हूँ उसकी, लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ कि वो घर से कहीं गया। कहाँ जाता था इरफान, चोरी करने? कि ऐसा तो नहीं सुल्ताना जी कि आपको पता है कि आपका बेटा इरफान करता क्या है, पर आप मानती है कि ठीक है, तो शायद कुछ और भी जानती है आप। मैं समझी नहीं साहब आप क्या बोल रहे। समझ गई आप, बहुत अच्छी तरीके से समझ गई आप, पर हिम्मत करके अनजान बनने की कोशिश कर रही है। कोई बात नहीं, आपके खामोशी के बावजूद हम लोग इस केस के तह तक पहुंच जाएंगे, पर तब तक आप लोग कहीं नहीं जाएंगे। सर ये औरत जानती थी कि इसका बेटा क्या करता है? या तो कुछ छुपा रही है हमसे, या डर के मारे चुप बैठी है, समझ में नहीं आ रहा है। सर सलीम का फोन ट्रैकिंग पे डाल दिया, और वो दो नाम जो सलीम ने बताए थे, अंकित और साजिद, उनके क्या अपडेट्स हैं? सर लोकल पुलिस स्टेशन में बात की थी मैंने,
वो कह रहे थे कि उनकी टीम को पूरी चौल में इस नाम के कोई भी लड़के नहीं मिले और ना ही किसी ने उनके बारे में सुना था। सर ये सलीम, इसके पास आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन थी जो इसने दी या फिर पूरी इन्फॉर्मेशन थी जिसने आधी अधूरी दी? देखो इस केस में जितने भी नाम हैं सबके क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ये इरफान, मोहसिन और ये सलीम भी। मुझे लगता है अगर हम इनके पुराने छोटे क्राइम रिकॉर्ड्स को खंगालते हैं तो शायद कुछ बड़ा हाथ लग जाएगा। एक काम करो, इनकी फैमिलीज को सर्कल में ले लो, सुल्ताना, मुमताज, मुमताज के दो बेटे और सुल्ताना की बेटी, सबके रिकॉर्ड्स बनाओ। जब सब कुछ सामने होगा तो उसमें सच भी होगा, अलग कर लेंगे उसे। मुमताज, कोई सुल्ताना तुमसे मिलने के लिए आई है। तू यहाँ क्या कर रही है? क्या बखेड़ा खड़ा कर रखा है? हाँ, तेरी वजह से आज क्राइम ब्रांच वाले मेरे घर पे आ धमके। क्या मिलेगा रे तुझे ये सब करके? बेटा मिलेगा, मेरा मोहसिन और शायद तेरा इरफान भी, लेकिन तू है इस मामले से पल्ला झाड़ने पे तुली हुई। जैसे कि तू चाहती नहीं कि बच्चे मिले, क्यों सुल्ताना? क्योंकि मुझे मालूम था ये सब होने वाला। कैसे मालूम था? बस ऐसे ही मालूम था, वो चोरियां करता था। जब दो नंबर की लाइन में है तो ये सब तो होगा ही। सुल्ताना, यकीन नहीं होता, तुझे मालूम था, तूने उसको रोका तक नहीं। अगर उसको रोकती ना मुमताज तो मेरा चलता हुआ घर रुक जाता। हैरान हूँ सुल्ताना, तू इस तरह से जीती आई है। मैं भी हैरान हूँ कि तुझे तेरे मोहसिन की सच्चाई नहीं मालूम। मैं भी हैरान हूँ कि मेरा बेटा इस रास्ते चला गया, मुझे पता तक नहीं चला। मुमताज, ऑर्डर्स बहुत डिले हो रहे हैं। मैं बस आई सर, दो मिनट, माफ कीजिए। एक और बात सुन लेना सुल्तान, अगर मुझे पता होता ना कि मोहसिन इस रास्ते जा रहा है तो कुछ भी करके उसको इस रास्ते से निकलवा लेती, उसका कमाया हुआ एक पैसा तक नहीं छूती। लेकिन फिर भी मैं पता लगाना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे के साथ क्या हुआ है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी भी माँ को इस दौर से गुजरना पड़े और ना ही किसी बच्चे को। तुझे भी नहीं सुल्ताना, नहीं तेरे इरफान को। साहब अपना सबसे भरोसे वाला लड़का है गोविंद, उसको मैंने शायरा के पीछे लगा दिया। इस सलीम की कोई खबर नहीं साहब, वो तो हवा हो गया है, लेकिन मोहसिन और इरफान खास दोस्त है। तो ये सलीम उन दोनों के बारे में सच बोल रहा था? वो पक्का पता नहीं साहब, लेकिन एक बात और पता चली, वो इरफान अपनी फैमिली के साथ माँ सुल्ताना और सायरा के साथ जाकिरवाड़ी में रहते थे, दो साल पहले इधर शिफ्ट हो गए फाइव नगर। जाकिरवाड़ी में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड? साहब वो लड़का लगा दिया पता करने के लिए। अंकित और साजिद, इस नाम के कोई लड़के हैं भी इस मोहल्ले में? साहब इस मोहल्ले में एक पत्थर मारो तो जाके किसी साजिद या अंकित को लग जाएंगे। इतने कॉमन नाम है इन दोनों के। हाँ लेकिन दोनों के साथ क्या कनेक्शन है मुझे पता नहीं साहब। लॉज में जाते हैं तो नाम भी लिखवाते होंगे। ऐसे काम के लिए अपना असली नाम कौन लिखवाता है? मुझे इस बंदे का थोबड़ा दिखा दे। आपके फोन पर अभी भेजता हूँ उसकी फोटो। ये रहा फोटो, मैं इसे तुम्हारे फोन पर भेजती हूँ। फहीम नगर और जाकिरवाड़ी दोनों जगह इस फोटो को घुमा। ओके मैम। वहाँ के लोकल पुलिस थाने में बात करो और पता लगाओ इस बंदे की हिस्ट्री क्या है। अंकित दहिया और साजिद काजी दोनों जाकिरवाड़ी के हिस्ट्री शीटर्स हैं। इरफान शायद इनको वहीं से जानता होगा। मतलब सलीम सच बोल रहा था, ये दोनों तो वाकई में हैं। सर इस अंकित का चक्कर इरफान की बहन सायरा के साथ चल रहा है, दोनों हर दूसरे दिन मिलते हैं। अगर ये बात है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि सुल्ताना को पता नहीं कि ये दोनों है कौन, अंकित और साजिद। चल एक AK-47 बना, दिमाग में ट्रैफिक बहुत जाम है।
आ जल्दी, मेहंदी लगा के हाथ में। ले भाई, बन गया तेरा AK-47। बेटा बहुत फूक ली तूने AK-47। ए ए ए ए रुक, हमारे साथ लॉकअप चल, तुझे रॉकेट लॉन्चर मिला। अरे हमने क्या किया सर? साहब साहब, हमने लाइन बदल दी साहब। ठीक है साहब, ये मोहसिन और इरफान ये दोनों बहुत टाइम पहले भाग गए हैं साहब, और हमको नहीं मालूम है किधर है। अंकित और साजिद दोनों धरती के बोझ हो, अगर मैं अपने पे आ गया ना, धरती माँ को लौटा दूंगा तुम दोनों को, वो भी जिंदा। साहब ये मोहसिन और इरफान, एक तो हमारी बीच हुई डील तोड़ दी और बारी बारी घुल हो गए, पहले ये इरफान और फिर मोहसिन। क्या डील हुई थी? हमने चारों ने मिलके हाथ मारा था बड़ा वाला, मतलब काफी बड़ा वाला। भाई लोग, लोहा इससे ज्यादा गर्म नहीं मिलेगा, हथौड़ा मारेंगे तो सोना निकलेगा, लेकिन लोहा है शेर के मुंह में। तू नाम बोल खाली। रहीम भाई, रहीम भाई के घर पे चोरी करेंगे। चढ़ गए इसको बिना भी। हो गया हो गया, मैं बोलूं कुछ? ये अंकित बोले देना। चल बोल। रहीम भाई की आपा की बेटी का निकाह, पूरा परिवार एक हफ्ते के लिए बाहर है, सहारनपुर यूपी जा रहा है। घर में तगड़ा रोकड़ा क्या क्या नहीं मिल सकता। आगे बोल। कल परसों में कर डालते। कल? कल ही कर डालते हैं ना? नहीं ऐसे नहीं, पहले जाके पूरे घर की जांच करते, ताले वाले का सिस्टम समझना पड़ेगा। ताला तोड़ना अपने आप में बहुत बड़ा झंझट है, पड़ोसियों के बिना उठे रात को। अलमारी में लॉकर भी तो होगा, वो भी तो तोड़ना पड़ेगा। एक बार घर में एंट्री हो गई ना तो ये सब हो जाएगा। तो इसके लिए कल जाके हम ताले का नाप आप लेंगे और परसों झाड़ू मारेंगे। ठीक है, लेकिन रहीम भाई एक हफ्ते बाद घर पे आएंगे, देखेगा चोरी हुई तो चुप बैठा रहेगा, पुलिस के पास नहीं जाएगा। जान ऐसी नहीं है, पुलिस के पास जाएगा तो उसकी इज्जत का फालूदा जाएगा यार। वाइच, वो हमारा फालूदा बनाने के लिए पूरी फौज लगा देगा। रहीम भाई है रहीम भाई, कोई कच्चा नींबू नहीं है वो। माना, लेकिन अब इरफान ने इतनी तगड़ी खबर लाया है कि अगर कुछ लफड़ा हुआ तो ये शाना बात घुमा देगा, अपने तक कोई बात नहीं आएगी, है ना? हम सबको मुंह पे ताला लगाना पड़ेगा। मेरे हाथ में खुजली हो रही है, मुझे लगता है इस बार कुछ बड़ा हाथ लगने वाला है। चीयर्स। यस। इरफान ने अगली रात को रहीम भाई के घर के ताले का नाप लिया, मोहसिन ने डुप्लीकेट चाबी बनवाई, पेटी है ये। लोहा सच में सोना बन गया, लाइफ सेट हो गई अपनी। तेरे पांच, तेरे पांच, तेरे पांच और मेरे पांच, सबके पांच पांच लाख। भाई साल का सबसे बड़ा हाथ लगा अपने को, दे ताली। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, तेरे पांच, तेरे पांच, नहीं नहीं, सबका बराबर हिस्सा नहीं, मेरा बड़ा हिस्सा, तुम तीनों का बराबर। किस खुशी में? भाई शादी है तेरी, तो खबर कौन लगा? अगर हम सब पकड़े जाते तो हम तीनों को कम सजा हो, तेरे को ज्यादा सजा होती क्या? सबने बराबर मेहनत की है, बराबर रिस्क लिया, तो पैसे भी बराबर बांट दो। सही बात है। ए ए ए, हटकर दिमाग की बाहर एक मत करो यार। अरे इरफान सही बोल रहा है, अपना ऐसे ही रोल होना चाहिए, जो टिप लाएगा तो उस काम में हिस्सा बड़ा, एकदम सही। क्या सिंपल बे, क्या बात कर रहा तू? अबे सोच, टिप तू लाया तेरा हिस्सा बड़ा, ये टिप लाया इसका हिस्सा बड़ा, भाई यही सही है। दिल ना बोल रहा था लेकिन दिल पर पत्थर रखा और इरफान को बड़ा हिस्सा देना पड़ा। ठीक है, लेकिन मैं जो बोला ना वो याद रखो सब, ये दो नंबर का पैसा है,
रहीम भाई भले पुलिस स्टेशन नहीं जाएगा लेकिन चोरों को ढूंढने के लिए सबके अब तक ये पैसा रोक के रखना पड़ेगा। मतलब जब तक हरी झंडी नहीं दिखती ना तब तक इस रोकड़े में से एक दमड़ी भी कोई खर्च नहीं करेगा पूरे 8 महीने। साहब हम चोरी कबूल करते हैं साहब। हाँ साहब, लेकिन चोरी के बाद से वो दोनों डील तोड़कर किधर भाग गए हमको नहीं मालूम साहब, हम खुद ढूंढ रहे हैं उनको। सलीम ने तो कुछ और ही बोला था तुम दोनों के बारे में। साहब ये सलीम मेंटल हो गया साहब, कुछ भी बोल गया और हम दोनों को फंसा गया। झूठ बोल रहा है वो, तभी तो गायब है वो। साहब ये मोहसिन और इरफान कहीं साथ मिलकर चुपकी बैठे होंगे। हाँ साहब, मेरा बेटा जो भी करता था जानकर बहुत दुख हुआ, पर साहब आपको एक बात बता दूं, वो किसी भी सूरत में अपना फोन बंद नहीं रखता। और सर इतने महीने हो गए वो कोई ना कोई मैसेज जरूर करता। मोहसिन जाते हुए तो अपने साथ कुछ सामान लेकर गया था, मतलब कोई बैग वैग? नहीं, लेकिन यही सवाल मुझसे इरफान ने भी पूछा था। मोहसिन क्या जाने से पहले कोई बैग भी पैक किया था क्या? और अगर वो अपने साथ इतने सारे पैसे लेकर जा रहा था तो वो मुझसे 500 रुपए क्यों लेता? 500 रुपए दो ना। 500 रुपए? थक गई हूँ साहब, उसे ढूंढते ढूंढते उसका इंतजार करते करते मेरा बेटा जो भी है जैसा भी है वो मुझसे बहुत प्यार करता है, वो रह नहीं सकता मेरे बिना। जब तक इरफान और मोहसिन मिल नहीं जाते हमारा शक आप पर बना रहेगा सुल्ताना जी, क्या आप जरूर कुछ ना कुछ जानती हैं। सायरा तेरा तो अंकित के साथ चक्कर है ना, तू जरूर कुछ ना कुछ जानती होगी। और सुल्ताना तुझे जो कुछ मालूम है तूने हमको बोला नहीं है, है ना? इरफान जब गया था तब अपने साथ पैसे लेकर गया था? वो हमें नहीं पता, लेकिन जिस रात गया था वो मुझ पर गुस्सा था। मम्मी को देखकर मत बात कर, इधर देखकर बता। मैं बोलती हूँ मैडम जी, उस रात ये देर से आई थी। इरफान। नाजिया ये वो इस लड़की है ना जिसका दूसरा नाम अंकित है? या अल्लाह, तो अभी भी मिलती हूँ अंकित से? लव करती हूँ मम्मी। क्या बोली? ये लव शव करने का ना अपनी बिरादरी में कर। अंकित दोस्त है मेरा, सिर्फ दोस्त, काम के मामले में वो भी। शर्म नहीं आती तुझे? आती है, शर्म आती है कि मेरा भाई चोर है। हाँ तो अंकित क्या है, क्या डॉक्टर इंजीनियर है क्या वो? साला अंकित मेरे घर में हाथ डालता है, उसको तो मैं देखता हूँ अपने तरीके से कल, और तू हद में रह समझी। तो अगले दिन जो निकला घर से आज तक नहीं लौटा और ना ही फोन किया। इसके पहले भी इरफान ने अंकित के साथ पकड़ा था तुझे कभी? मोहसिन और इरफान के गायब होने के राज की चाबी दरअसल अतीत का यह मसला था। मोहसिन आजा बेटा आजा। पक्का मोहसिन, तूने उन दोनों को साथ में देखा? 3 बार देखा, और ऐसा नहीं मिल रहे थे, ऐसा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसा मिल रहे थे। अंकित इधर आता है खाना खाता है वहां तक तो ठीक है, लेकिन जिस थाली में खाता है उसी में छेद करने लग गया। तुम लोग अभी के लिए यहाँ से जा सकते हो, लेकिन मुंबई से नहीं। सिर्फ आधा घंटा दे रहा हूं तुम दोनों को, आपस में तय कर लो, सच बोलकर जेल जाओगे या झूठ बोलकर पहले अस्पताल और फिर जेल। साहब, साहब, तेरा हाथ ऐसे ऐसे करके दबाया था मैंने, मुंह बंद कर मुंह बंद कर इशारा करा था, लेकिन तू उल्टी कर दिया, तू टके सलीम के सामने, उसने पुलिस के सामने उल्टी किया, अपनी जिंदगी उल्टी हो गई है। जिंदगी का सबसे बड़ा लूट हाथ लगा था, उसमें मोहसिन और इरफान का हिसाब भी था, लेकिन तूने मुंह खोला सब कुछ खत्म हो गया। बता किधर है? किधर? इधर खुदायला सांगा। वो
उस मोहसिन ने मेरी और सायरा की जिंदगी की वाट लगा दी थी शायद। हम लोग घर के बाहर मिलने लगे पर फिर भी उसने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। आउटगोइंग कॉल करने के लिए आपका उपलब्ध बैलेंस बहुत कम है। ए अंकित, तेरा फोन दे यार, मेरा बैलेंस खत्म हो गया है। आता मैं। हाँ हाँ अम्मी, अरे जाऊंगा ना कल फारूक को देखने। हाँ अल्लाह अल्लाह हाफिज। अंकित कहाँ रह गया? मैं लॉज के बाहर वेट कर रही हूँ। ये पान वाले का नंबर है, कॉल बैक कर जल्दी। सायरा। उस मोहसिन ने मेरे फोन का मेमोरी कार्ड निकाल लिया। ऐसा नहीं था कि मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था। इतना अर्जेंटली काय को बुलाया? मेरा मेमोरी कार्ड वापस दे। काय को निकाला तू? चुगली करने का तेरे को इरफान को? क्या इंटरेस्ट है तेरा वो सायरा में? ए, मेरी बहन जैसी है वो। भाषण मत दे, चल मेमोरी कार्ड वापस दे। मेमोरी कार्ड तो पहले इरफान देखेगा, फिर वो तेरे को भी देख लेगा। फिर मैंने साजिद को बताया, ये भी रेडी हो गया मोहसिन को मारने के लिए। हाँ साहब। साहब मैंने मोहसिन को बोला नया माल आया है। और अंटा एरी है ना तब फुलटो। चल चल चल। अबे दे दिया मेमोरी कार्ड, लगा ली चुगली? दूंगा ना, शाम को मिलेगा तो दूंगा। पुलिस को मोहसिन मलिक का कंकाल हाथ लगा जहां अंकित और साजिद ने उसकी लाश दफनाई थी। इरफान, ए खुद साला अंकित मेरे घर में हाथ डालता है, उसको तो मैं देखता हूं अपने तरीके से। कल फिर दूसरे दिन वो इरफान मुझसे मिलने आया। मोहसिन का है। अबे एक चीज तोते की तरह कितनी बार पूछेगा बे? मोहसिन किधर है, मोहसिन किधर है? तुमको लगता है पैसा लेके भूल हो गया कहीं? तू वापस सायरा से मिलने लगा, शादी करने वाला है। अंकित मैं तेरे को मना किया था, वार्निंग दिया था मैं तेरे को सायरा से नहीं मिलने का। मोहसिन तेरे को देख लिया रहेगा उसके साथ वापस। बोल किधर है वो? मोहसिन जिधर है ना उधर तो ऐसे ही नहीं जा सकता। हम भेजेंगे तेरे को। और ये मोहसिन गायब होने के बाद इरफान हर दूसरे दिन पकाने लगा। सोचा पैकअप भी कर देते इस साले का। हम लोग इतने केसेस सॉल्व करते हैं पर कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो हमें भी चौंका देते हैं और सोचने पर मजबूर कर देते हैं। क्या हो गया आजकल की जनरेशन को? इंसानियत को ताक पर रखकर ऐसा संगीन जुर्म कैसे कर लेते हैं? सिर्फ तेरी वजह से मैंने अपना बेटा खोया। अगर तू संकेत के साथ अपना मुंह खड़ा नहीं करती ना तो इरफान को उससे लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। जब भाई ने चोरी करके मुंह काला किया था अगर तब रोक देती ना तो वो अंकित को घर नहीं लाता और शायद मेरा अंकित से रिश्ता भी नहीं बनता। तब तो सब कुछ सही सही होता। नहीं सलाम भाई, भाई अभी सारा मैटर कुल के सामने आया है। अब जो हो गया उस पे मिट्टी डाल और जुबान पे ताला, समझा? कब जा रहा जमाल तू? जी कल। और तू फारूक ख्याल रख। चलता हूँ ताजी में। कोई नहीं, आप बैठो ना।
दोनों सही रास्ते चलना। जमा फारूक, तकदीर की मंजिल सिर्फ ईमानदारी और मेहनत के रास्ते मिलती है, इसका और कोई चारा नहीं होता। काश ये बात मोहसिन भी समझता। क्यों भटक गया वो ऐसे? एक माँ अपने उस बेटे की तलाश में निकली थी जो एक दिन अचानक गायब हो गया था, और महीनों बाद उसे अपने बच्चे की लाश देखने को मिली। दोनों एक्यूज्ड को आईपीसी की धारा 302 के तहत कत्ल के लिए, धारा 201 के तहत सबूत मिटाने के लिए और धारा 120B के तहत क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए बुक किया गया है। इस डबल मर्डर केस के बारे में खबर देने वाला सलीम अभी तक ट्रेस नहीं हुआ है। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।